हेलो फ्रेंड्स, रोज़ हम एक जैसा नाश्ता खा खा करके बोर हो चुके हैं, तो चलिए आज हम आपको भाभी रसोई में पोहा कटलेट बनाने की रेसिपी बताएंगे। पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम 50 ग्राम पोहा, एक बाउल पोहा, 5 से 6 उबले हुए आलू, जिन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम पोहे को धोकर भिगो लेते हैं और इससे पानी निकालकर आलू में मिला लेते हैं। पोहा डालने के बाद अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स 2 से 2.5 चम्मच, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ उसे डाल लेते हैं, अदरक लहसुन और मिर्च का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट डाल लेंगे। अब हम इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, नमक 1/2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, कसूरी मेथी 1/4 चम्मच। इन सभी को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे छोटे छोटे गोल गोल टिक्की जैसी बना लेते हैं। इसी तरह से हम सभी आलू की टिकिया बना लेते हैं। इसे आप सुबह की चाय या शाम की चाय के साथ कभी भी बना सकते हैं, जब आपका मन करे। सभी टिक्कियों को हम एक शेप में बना लेते हैं। पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तेल अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारे कटलेट डाल लेते हैं। इसे हम सैलो फ्राई करते हैं। कटलेट को फ्राई करते समय फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो ही रखेंगे। स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट सिकने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट कर उस तरफ भी अच्छे से सेक लेते हैं। एक एक करके हम सारे कटलेट को दूसरी तरफ से पलट लेते हैं। इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से उलटते पलटते हुए सेक लेंगे, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब कटलेट दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, जैसा कि हमें चाहिए। अब हम इसे निकाल कर एक बर्तन में रख लेते हैं। अब हम इसी तरीके से बाकी के बचे हुए कटलेट को भी एक करके पैन में डाल लेते हैं। जब भी आपका एक अलग तरह का नाश्ता करने का मन हो तो एक बार पोहा कटलेट बनाकर जरूर ट्राई करें। अभी एक तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पलट कर सेक लेते हैं। कटलेट बनकर के बिल्कुल तैयार है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।